सूद है, उसकी ममानत, सूद की ममानत जो है वो 5 हिजरी में हुई थी। इसके अलावा जो वरासत के हकूक थे और जो यतीमों के हकूक थे वो वाले जो हुए थे वो 3 हिजरी में हुए थे। ठीक है, शराब 4 हिजरी में हुई थी। अब देखें, जो जी शराब है वो हमारे दीन इस्लाम में हराम है, ठीक है, हमारे दीन में तो हराम है। अब उसको हलाल, जो हिंदू मजहब है उसमें वो हलाल है शराब। उनकी भगवत गीता जो है ना वो उसमें वाजे लिखा मैम, हुआ। मेरी जो फ्रेंड्स हैं, मैंने उनसे पूछा तो वो कह रहे थे हमारे यहाँ भी जो शराब है वो हराम है, वो सारे नॉन मुस्लिम है। ठीक है, वो नॉन मुस्लिम है, लेकिन फिर ये भी तो देखे ना, उसमें कुछ ब्राह्मण भी तो हैं, ब्राह्मण के लिए सिर्फ हाँ, पर शराब उनका ये हराम। अकीदा होता है कि जो जन्नत में जब हमें शराब मिल रहा है तो यहाँ क्यों ना पिए, ये भी मैंने उनके मुंह से सुना है। देखिए नहीं, अब जन्नत में शराब तो वो तो पाक होती वो तो पाक शराब होगी ना, तो उन्होंने इस दुनिया में भी अपनी एक शराब और वो एक अपनी जन्नत तो जन्नत जहन्नम बना के ली। लिए। पेपर में एक ये भी ऑप्शन आता है, वो कौन सा बादशाह था जिसने दुनिया में जन्नत और जहन्नम बनाई थी? एक मैम ऐसा शायद बादशाह ईरान था। नाम है। बताएं, बोले पढ़ा था लेकिन याद नहीं, ज़हन में नहीं आ रहा। शायद शदाद, ईरान मैम नाम था। शदाद, है शदाद वो बादशाह था ना जिसने दुनिया में ही जन्नत बना रही थी और दुनिया दुनिया में ही जहन्नम बना रही थी। शदाद अच्छा देखें, हिंदुओं की जो शदाद बुक है भगवत गीता जो है हिंदुओं की बुक, उसमें वाजे तौर पे लिखा हुआ है कि राम राम एक है, भगवान एक है। लेकिन मानते वो भी उसी भगवान को है। हमारी जुबान में हम क्या कहते हैं, अपना रब कहते हैं, अपना खुदा कहते हैं, उनकी जुबान में वो कहते हैं भगवान राम कृष्ण, ये कहते हैं। ठीक है, मानते वो भी उसी रब को है लेकिन उसकी नहीं मानते। उन्होंने अपने मजहब में शराब हलाल कर दी जबकि खुदा ने शराब को हराम कर दिया। एक तो आपने ये बात लिखनी है अपने पेपर में, आप लोग ये बात लिखेंगे ना आपका पेपर जो है बाकी लोगों से मुख्तलिफ हो जाएगा कि बाकी मजहब वाले भी खुदा को मानते हैं लेकिन वो खुदा की नहीं मानते। जो हमारे मजाहिब होते हैं उसमें अमेंडमेंट हो सकती है लेकिन दीन में किसी भी किस्म की कोई अमेंडमेंट नहीं होती। ठीक है, जैसे कि हमारा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में हम अमेंडमेंट करते रहते हैं ना, हमारी अमेंडमेंट ये हो गई, हमारी अमेंडमेंट वो हो गई, लेकिन जो अल्लाह ताला ने हमें एक दीन दे दिया है उसमें किसी भी किस्म की हम तरमीम नहीं कर सकते। जब उसने खुद कह दिया, जब अल्लाह ताला ने, जब हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ने खुद बिल्कुल, कह, जो पाकिस्तान के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर उसको अमल नहीं करता, जो उसके खिलाफ जाता है, तो उसके आर्टिकल 6 लगाते हैं। अच्छा नहीं पता होगा जी हमारा उसमें कितनी अमेंडमेंट हो चुके हैं। हम बताएं बताएं कितने अमेंडमेंट हो चुके हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मैम किसी। सवाल रिपीट करें। आपको आवाज आ रही है मेरी? यस यस जी, मैम, आ अच्छा रही है। बताइएगा हमारे अब तक हम कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी अमेंडमेंट हो चुकी हैं? मैम 19 सेवेंटीन आई थिंक नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हो चुकी है। आई थिंक कितनी? 17 17। ठीक है, कोई और जो बताना चाहे? 19 मेरा तुक्का लग रहा है वैसे। लग रहा है हमारे। आप लोग, मेरे ख्याल में आप लोगों में से कुछ केपी कैसे भी हैं? मैं पंजाब से, मैं पंजाब से? पाकिस्तान अच्छा ठीक, अच्छा सीन से देखें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो सबसे लास्ट वाली अमेंडमेंट हुई थी वो 26 अमेंडमेंट हुई थी। 26 अमेंडमेंट के तहत फाटा जो है उसको केपीके में मर्ज कर दिया गया था। तो आप लोग सीएसएस के एस्पायरेंट है ना, आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी इधर मेरे पास डंडा भी नहीं पड़ा। ठीक है, अब याद रहेगा ना ये? यस यस मैम। मैम।
चलिए ठीक है, अब हम अपने ना क्वेश्चन की तरफ आते हैं। और आप लोग कुछ बताना चाहें दीन और मजहब के बारे में? कोई बताना मैम चाहे यही तो समझ बताएं। में नहीं आता कि हम दीन और मजहब को इतना क्या डिफरेंशिएट करें, क्योंकि एक दो लाइन में ही उनका डिफरेंशिएट हो जाता है, पर ये बार नहीं बार नहीं क्वेश्चन आता है नहीं पीएमएस नहीं में बच्चे, भी और नहीं सीएसएस में भी। देखें बच्चे, अगर हम छोटी सी बात करें ना अपने मजहब के बारे में और हिंदू मजहब के बारे में ना, तो उसमें हम उनकी बुक्स के बारे में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा फर्क जो है वो उस चीज को बार 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 वो इस बात का जिक्र करते हैं कि जब हम लोग मर जाएंगे हम तो अपने मुर्दों को जला देते हैं, फिर अल्लाह ताला हमारे मुर्दों से हिसाब किस तरह से लेगा, जबकि अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कुरान पाक के अंदर, कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, कि हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, ऐसा है ना। यस मैम, जी मैम, यस और फिर वो अल्लाह ताला ये भी तो खुद अल्लाह ताला खुद ये कह रहा है कि जिस बंदे को मैंने पानी के एक कतरे से बनाया है, क्या मुझे उस बंदे को दूसरी बार बनाना कोई मुश्किल होगा? जबकि हिंदू इस चीज का यकीन रखते हैं कि जब हम अपने मुर्दों को जला देते हैं तो दोबारा वो किस तरह से बनाएगा, क्या उस खुदा के लिए ये सब करना मुश्किल है? नो ये है मैम, ना, देखिए हमारे जो मुसलमान है उनको आप अभी जो पूछ रहे हैं कि सीखना ना कि इसको हम किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ये एक है। लाइन में नहीं आता। अगर हम मैं एक दिन इसको लिखने के लिए बैठू ना तो फोल्डर खत्म हो जाएगा, लेकिन दीन और मजहब के बारे में फर्क कभी भी खत्म नहीं होगा। जी मैम, वो आप ठीक कह रहे, पर आप जो कह रही हैं मतलब हिंदू और मुस्लिम में डिफरेंशिएट हो जाएगा, अगर हम ज्यादातर हिंदू और मुस्लिम को डिफरेंशिएट करेंगे फिर दीन और मजहब की बात नहीं चलेगी यहाँ पे। और एग्जामिनर को लेकिन होता है जो कि एट पॉइंट मतलब हो जो बिल्कुल इनको डिफाइन करे, और अगर हम हिंदू को डिफाइन करेंगे बाद मुस्लिम्स को करेंगे तो ये इन दोनों के बीच में सिर्फ हो जाएगा डिफरेंशिएट। देखिए जो हिंदू है वो सिर्फ मजहब को मानता है, वो दीन को तो नहीं मानता ना, जी वो इस चीज को भी नहीं मानता कि हजरत मोहम्मद, आप देखें हिंदू इस चीज को नहीं मानता, अब क्रिश्चियन भी तो नहीं मानता ना इस चीज को कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी पैगंबर है। जो भी मजहब है सारे। हाँ वो भी इस चीज को नहीं मानते। और दूसरा ये है कि वो जो हिंदू जो है वो अपने भगवान के ऊपर वो जो दूध डालते हैं वो हमसे इस चीज का मुतालबा करते हैं कि जब आप लोग हिजरे अस्वद को बोसा दे सकते हैं, आप लोग उसको चूम सकते हैं, तो हम लोग अपनी देवी देवता को क्यों नहीं चूम सकते? जबकि वो पत्थर जो है हिजरे अस्वद का पत्थर जो है वो तो जन्नत से आया हुआ है। अब बात कुछ आ बिल्कुल रही है आपके माइंड में? अब जी वो मैम, हिजरे अस्वद को जो पत्थर है उस पत्थर को अपने देवी देवताओं पत्थर को उससे मुनासबत देते हैं, उससे कंपैरिजन करते हैं। वो कहते हैं अगर आप लोग अपने सऊदी अरब के अंदर जाके अगर आप लोग उस एक कमरे के गिर चक्कर लगा सकते हो, अगर आप लोग ये कहते हैं कि वहां जाने से हमारे गुनाह धुल जाते हैं, तो हम लोग फिर यहाँ पे अपने भगवान से या अपने देवा देवता से मांगें तो फिर हमारे गुनाह क्यों नहीं धुल जाते? तो फिर जब ये बात आती है तो इस चीज पे हम जो मुस्लिम है ना हमें इस पे गुस्सा आता है, जब वो हिजरे अस्वद के नाम ऐसा कहते हैं हमें गुस्सा आता है ना, तो इस पर भी अल्लाह ताला ने हमें फरमाया है कि तुम दूसरों के झूठे खुदाओं को बुरा ना कहो इसके बदले कि वो तुम्हारे सच्चे खुदाओं को बुरा कहें। जी सही ठीक है, कहा। और उसके बाद ये भी आ सकते तो हैं, हम इसमें ये भी लिख सकते हैं आप, एक तो हेलो, मेरी मौत का बात हक है ये हम मानते हैं लेकिन वो लोग नहीं मानते। ठीक है आ रही मैम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैम, इन शॉर्ट हम यह कह सकते हैं कि जो दीन है वो सिर्फ एक ही है जो इस्लाम है, और मजहब जो जी है काफी सारे हैं, जैसे क्रिश्चियनिटी हो गई, ज्यूस हो गए, और हिंदुइज्म हो गए, बुद्धिज्म हो गए, तो ये सारे मजहब में काउंट होते हैं, और जो दीन है हकीकी वो एक है इस्लाम। वो एक ही है। और फिर मैंने आपको तीन मेन बात बताई इसी के गिर्द आप लोगों ने घूमने, एक वही कि मजहब वाले जो हैं वो अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते, मजहब के अंदर तरमीम हो सकती है लेकिन दीन के अंदर किसी भी किस्म की कोई तरमीम नहीं हो सकती। हेलो, ठीक है, एक तो आपने ये यस लिखना है, और मेरी दूसरा आवाज आ रही है? तीसरी बात जी आ जी रही आ है। रही है, अच्छा जी जी मैम, और तीसरी बात आपने ये लिखनी है पेपर के अंदर कि जो मजहब है वो दीन कभी नहीं हो सकता, लेकिन जो दीन मजहब दीन के अंदर आ सकते हैं लेकिन दीन कभी भी किसी मजहब के अंदर नहीं समा सकता।
मैम, ठीक है। अब इसके ऊपर आप कुरान पाक की आप ज्यादा नहीं करें, कम से कम 4 आयात तो आप याद कर सकते हैं ना। सबसे हमारे पास जो आसान है और हम अक्सर पढ़ते रहते हैं वो सूरत इखलास है, जी बिल्कुल मैम। एक बिल्कुल सूरह ना। ईसाई जो इखलास, है वो एक कहते सूरह हैं फातिहा। हजरत ईसा अल्लाह का बेटा है, ठीक है, जबकि हम लोग इस चीज को नहीं मानते। तो अगर आपको पेपर में कुछ भी नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आ रहा, कम से कम सूरत इखलास का तर्जमा तो आता है ना, आप यही पेपर में कोट कर दें। और उसके बाद रात और दिन की तब्दीली, रात और दिन की तब्दीली कौन कर रहा है? ये अल्लाह ताला कर रहा है, जबकि बाकी मजाहब वाले इस चीज को नहीं मानते। वो कहते हैं कि हमें साइंटिफिकली प्रूफ दें इसका, जबकि हम तो मानते हैं एज अ मुस्लिम। अब कोई और बात वैसे मैम इस बारे में वो डॉक्टर जाकिर नाइक वो हैं, जी 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 वो मैं काफी अच्छे उसको तरीके बहुत से सुनती हूँ, मैं समझाते हैं उस दूसरे नाइक नाइक मजाक को के लोग। मैं बहुत सुनती हूँ, और मैंने अपने CSS के पेपर में उनका बहुत सारा रेफरेंस लेके अपनी वहाँ पे कोर्स बनाई थी। ये जो मैं आपको बात बता रही हूँ ना कि जो हिंदुओं की किताब है भगवत गीता की, इस डॉक्टर जी जाकिर मैम, नाइक ने ही ये बताया था अपने एक बयान में कि जो हिंदुओं की किताब है भगवत गीता, उसमें ये लिखा हुआ है कि राम एक है, कृष्णा एक है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। वो जिस मजहब से किसी का कोई तल्लक होता है उसके मजहब से ही उनको वो सब कुछ समझाते हैं कि उधर ऐसे है, तो हमारे मजहब में ऐसे है, हमारे दीन में ऐसे है। बिल्कुल। और कुछ जो पूछना चाहें, जो बताना चाहें? फिर अगर हम इसको मजीद अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहें तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इंसानी जिंदगी में मजहब का क्या मकाम है, इसका क्या किरदार है। हम अपनी डेली लाइफ के ऊपर भी इस चीज को लेके आ सकते हैं कि हमारी जिंदगी में जो इस्लाम है उसने क्या रोल प्ले किया है। इस्लाम हमें ये बताते हैं कि झूठ ना बोलें, चोरी ना करें, डाका ना डालें। हम ये जो कंट्री के अंदर हमारे ये जो हालात हो गए हैं, ये इस्लाम ने तो हमें नहीं कहा ऐसा करने को। जी बिल्कुल, इस्लाम तो हमें अच्छाई का दर्श देता है ना। इस्लाम हमें ये तो नहीं कहता कि आप TTP बनाएं, ये तरीके तालिबान पाकिस्तान बनाएं, या कोई भी एक इस्लामिक ग्रुप बना के आप उसको इस्लामी रंग दे के उसमें सियासत का रंग चढ़ा दें, ये इस्लाम तो नहीं कहता। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। हमारे इस्लाम तो एक मुकम्मल जाब्ता ही आता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये इसमें बिल्कुल, पॉइंट जो कोट कर आप सकते हैं। टीटीपी की बात कर रहे हैं, उनका उनके हवाले से यही होता है कि हम जो कर रहे सही कर रहे, हम हाँ डिफेंड बिल्कुल, कर उनका रहे यही हैं हमको मौकफ होता है जी, इस तरह से जी। वो उनका हमेशा ये से दहशत बिल्कुल गर्द ग्राउंड रिलीजियसली हमारा लिटरेचर की जो बात। पाकिस्तान है वो चले, क्योंकि पॉलिटिकली चलता है तो कोई भी इस्लामिक रूल फॉलो नहीं होता, यहाँ पे शरिया नहीं होती है, इस हवाले से वो टीटीपी बस का हमेशा से एक ही मौकफ रहा है कि खाना पाकिस्तान के और गुन अफगानिस्तान के गाने हैं। जी बिल्कुल। और मैम ये जो मस्जिदों में ये करते हैं धमाके, ये तो किसी मजहब में भी नहीं है। तो वो कहते किसी हैं ना भी कि मजहब ये में भी नहीं गलत है। है, होटल्स वगैरह, स्कूल वगैरह, एजुकेशन, सारी गलत चीजें हैं ये। देखिए जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के दौर में उन्होंने जिहाद के, उन लोगों ने वहां पे कहा था ना कि हमने ज़कात नहीं देनी, वह उनके टाइम में ही जंगे कादसिया हुई थी और एक दूसरी जंग भी उन्हीं के टाइम में हुई थी। उन्होंने क्या कहा था कि आप लोगों ने खड़ी फसलों को तबाह नहीं करना, आप लोगों ने बच्चों और बूढ़ों से जंग नहीं करनी, आप लोगों ने लाशों को खराब नहीं करना। और अब हमारे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, ये सब हो रहा है ना, जी बिल्कुल, जबकि ये हमारे दीन में नहीं है। हमारा दीन तो एक मुकम्मल जाब्ता हयात है। और उसके बाद अब ये पॉइंट इसमें कोट कर सकते हैं, हमारे दीन का जो दीन है उसमें अल्लाह ताला की वहदानियत का तसव्वुर है, जबकि ईसाइयत में भी वहदानियत का तसव्वुर नहीं है, क्रिश्चियनिटी में वहदानियत का तसव्वुर नहीं है, और हिंदुइज्म में भी वहदानियत का तसव्वुर नहीं है। जी बिल्कुल। और इसमें एक तो आपने ये पॉइंट कोट करना है अल्लाह ताला की वहदानियत का तसव्वुर, यानी जिसने सातों आसमान और सातों जमीन बनाए, जिसने इंसान को रोजी दी, कानों और आंखों का मालिक कौन है, मुर्दे जिंदा और जिंदा से मुर्दा कौन निकालते हैं, दुनिया के कामों को कौन चलाता है। इसके जवाब में मुशरिक ये जरूर कहेंगे कि अल्लाह फिर तुम पूछो कि फिर शिर्क से क्यों नहीं बचते,
लेकिन जब हम मुशरिकों से ये पूछते हैं ना कि ये सारे काम कौन करता है, फिर वो कहते हैं अल्लाह। जी जब बिल्कुल हजरत ईसा, हजरत हारून अलैहिस्सलाम ने जब शिदा से पूछा था ना, जब उन्होंने कहा था कि तुम्हारा रब कौन है, उसने कहा मेरा रब वो है जो सूरज मशरिक से निकालता है और मगरिब में गुरूब करता है, मेरा सूरज वो है जो जिंदगी और मौत देता है। उसने कहा जिंदगी और मौत तो मैं भी दे लेता हूँ। उसने एक आदमी को मार दिया था, दूसरे को जिंदा रहने दिया था। हर चीज पे वो ये कहते हैं, वो इस चीज को मानते हैं कि अल्लाह है, लेकिन फिर भी वो ये कहते हैं कि हमारा दिल नहीं मानता। जब हजरत ईसा अलैहि सलाम जो है वो वहां पे कोहे तौर के ऊपर चले गए थे 40 दिन के लिए, जब वो वापस आए तो उनकी कौम ने क्या किया था, एक गाय का जो बच्चा है बछड़े को अपना रब बना लिया था, अपना महबूब बना लिया था। और वहां से फिर ये स्टार्ट हो गया था दोबारा फिर से बुतों की पूजा। और उसके बाद हमारा इस्लाम जो है वो अमन आलम का क्याम है, और हम अपने इस मजहब से ही हक को बातिल की पहचान कर सकते हैं। इसमें आप लोग ये कोट कर सकते हैं, इन दीन इंदल्लाह इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन सिर्फ इस्लाम ही है। और हजरत इब्राहिम जो है बिल्कुल उन्होंने अपने बेटों को ये वसीयत की मैम, थी। जी, ये आयत कोड करनी होती है इसका तर्जमा सिर्फ। बच्चे अगर आप ये चाहते हैं कि आपके मार्क्स जो हैं वो इस्लामिक के पेपर में 80+ रहे, तो फिर आपने उसमें ये लाजमी कोड करनी है। और इसको यहाँ आपको याद करने का मैंने तरीका भी बताया है। रिपीट करें आपने क्या बोला कि क्या कोट करना है। मैम मैं इसमें ये कुरान पाक कहना की आयत हमने कोट करनी है, जी लेकिन इसमें जेर और जबर नहीं लगानी। ठीक हो गया। और एक और भी बात है, अच्छा एक तो ये बात होगी ना, हम याद कैसे करें, हम याद इसी तरीके से करें जब सुबह के टाइम हम कुरान पाक की तिलावत करते हैं, हम कुछ मखसूस आयात आप ऐसी बना लें। तकरीबन इस्लामियत के अंदर ज्यादा से ज्यादा 9 क्वेश्चन होते हैं, 9 क्वेश्चन से ज्यादा कुछ भी नहीं होता याद करने वाला, कुछ भी इससे बाहर नहीं होता याद करने वाला, ठीक है। और इन नौ क्वेश्चन में अगर एक क्वेश्चन के अंदर आप 3 इस्लामियत की आयात भी कोट करती हैं तो कितनी बन जाती हैं, 27। और पूरे साल के अंदर हम कुरान पाक पढ़ते हैं, पूरा एक साल होता है सीएसएस की मैम प्रिपरेशन के लिए। हमारे जो टीचर्स थे वो कह रहे थे कि अगर आपको आयत वगैरह याद नहीं हो रही तो आप सिर्फ ना नंबर को मेंशन कर लें कि कौन सी आयत में ये लिखा हुआ है। देखिए ये पॉसिबिलिटी है, ये सारा कुछ हो सकता है। अगर आपको आयत नहीं आती तो आप सिर्फ उनका तर्जमा लिख दें, अगर आप उनका तर्जमा भी नहीं लिख सकते तो आप मामूली सा जो भी आपके माइंड में है ना, आप उसका रेफरेंस वहां पे लिखें, फिर उसके बाद आप इसकी ट्रांसलेशन आगे, ट्रांसलेशन भी ना लिखें, जस्ट अपनी थ्योरी आगे प्रेजेंट करना शुरू कर दें। बट आप ये चाहते हैं कि आपके मार्क्स 80+ हों, फिर कुछ ना कुछ तो पेन लेनी पड़ेगी आपको। यस मैम एक्जेक्टली आपने सही आखिर कोई ना कोई बात आपके अंदर ऐसी होनी चाहिए जिसको एग्जामिनर को देख के लगे कि वाकई इस बंदे का पेपर जो है बाकी सारे पेपर से मुख्तलिफ है, फिर तो आपको उसमें आयत लिखनी पड़ेगी ना। जी बिल्कुल मैम, क्योंकि एक अगर आपकी अलग एबिलिटी होगी तो फिर वो नंबर बिल्कुल देंगे। बिल्कुल, सीएसएस जो पेपर है वो हमसे चाहता भी यही है कि आपकी जो सोचने का अंदाज है, आपके बैठने का, उठने का, अपने पेपर को जो है प्रेजेंट करने का, आपका जो स्टाइल है वो दूसरों से मुख्तलिफ हो, ताकि कल को अगर आपको सेनेटर या नेशनल असेंबली में बैठाया जाता है या प्राइम मिनिस्टर की सीट पे बैठाया जाता है तो आप क्या करते हैं, करप्ट होते हैं या हमें इस दलदल से निकालते हैं। मैम इधर पॉलिटिक्स की, आप जो सियासतदान, जो ये खानदानी सियासत है, उसमें बड़ा मुश्किल है आगे सियासत में ये प्राइम मिनिस्टर बनना एक आम बंदे के लिए। लेकिन इंकलाब भी तो आ सकता है ना। हालांकि स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को इंडिया के बंदे बने हुए देखें जो इंकलाब लेके आते हैं वो भी इंसान होते हैं। हिटलर इंकलाब लेके आया था, जहाँ गवेरा जो है वो एक इंसान था, वो भी अर्जेंटीना से ताल्लुक रखता था, वो भी एक इंकलाब लेके आया था। जो इंसान होते हैं जी वो ही मैम, इंकलाब लेके लेकिन आते हैं। अब मैम एक पाकिस्तान में इंकलाब की बहुत जरूरत है, अशद जरूरत है। बहुत ज्यादा जरूरत है, तो इनकलाब कौन लेके आएगा, आप लोग लेके आएंगे ना,
आप लोग नौजवान नस्ल है, अब आप लोग लेके आएंगे इनकलाब, जी, लेकिन मैम एक और बात करनी, इनकलाब वाम का थोड़ा सा माइंडसेट थोड़ा सा चेंज होने वाला है, क्योंकि और उनका माइंड सेट किस तरीके से चेंज हो सकते हैं? एक ख्याल है कि हमारे बड़े भी इसको वोट देते रहे तो हमने भी इसको वोट देना है। वो एक बिल्कुल ये नहीं देखते कि जो मुल्क के लिए कुछ अच्छा करना चाहता है उसको वोट दें, कि जमीर को वोट दें। मैम, हमारे देखिए गांव गांव में ना तो आजकल ऐसा चल रहा है कि वो जो गांव के लोग होते हैं अमीरों ने वैसे उनके थोड़े बहुत कर्जे दिए होते हैं, तो वो कर्जे के वजह जी सालों साल उनके वोट चलते रहते हैं। बड़ों ने वोट दिए हैं तो छोटों भी, लास्ट टाइम में तुमने कर्जा दिया था ना, तुम्हारा हक बनता है हमें वोट दो, वो लेकिन उनको आप बेरा हुआ लोग तो नहीं। बच्चे पढ़े लिखे हैं ना, अब आप लोग ऐसा ना करें, ऐसा ना करने दे अपने पापा को, अपने दादा को, अपने नाना को, ऐसा ना करने दे। जी बिल्कुल मैम, हम अपनी तो पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन और भी बात है, ये ना गांव एरिया में धमकाते ज्यादा लोगों को है, अगर आपने वोट ना दिया ना तो कल का आपका मसला हुआ कोर्ट कचहरी का, हमने आपके साथ ही जाना, हमने आपके खिलाफ ही जाना, ये बड़ा ये एक है एरिया में, गांव देहातों में मसला ये भी अभी है, देखिए का सारा बच्चा कुछ उसके है बाद अभी ना कुछ पाकिस्तान के नहीं अंदर जो सोचा। है वो करप्शन पीक पे है, ठीक है, धांधली है। हम कहीं पे जॉब लेने जाते हैं तो वो रेफरेंस मांगते हैं, मांगते हैं, हाँ मांगते हैं, पैसे मांगते हैं, हाँ मांगते हैं, इसका फिर क्या हल है? आप क्या आप वोट देने जा रहे हैं, आपको पता है कि आप जिस पार्टी को वोट देंगे ना, जिस रखा था दबा के रखा था, आपको वोट उसी को देना है, ऐसे है ना? जी मैम, लेकिन जब आप वोट वोट कास्ट कर रहे होते हैं, क्या उस टाइम आपके पापा आपके पास होते हैं, नो आपके दादा आपके पास होते हैं? नो तो आप घर आके वापस आके कह दीजिएगा, पापा हमने उसी को वोट दिया जिसको आपने कहा था। जी बच्चे आप लोगों ने ही चेंज करना है, अब आप लोग ही हमारी यूथ है ना, आप लोग ही यंग जनरेशन है, जी अगर मैम आप लोग भी नहीं निकलेंगे ना इस चीज से, तो यकीन जानिए आपके आने वाली जो नस्ल है ना वो गुलाम से गुलाम तर होगी। जी बिल्कुल मैम, इंशाल्लाह हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे इंशाल्लाह आप लोग कोशिश रखें अपनी। आज मैं अपना एक पंजाबी का अपना एक सीए ये पीएमएस का पेपर देख रही थी, एक बच्चे का बना रही थी, उस बच्चे ने उसमें बड़ी अच्छी चीज लिखी हुई थी, तो पेपर अब मेरे पास मैम। अगर पड़ा है तो मैं आप लोगों को वो। इसकी उसकी ट्रांसलेशन कुछ इस तरीके से थी कि मेरा मेरा जो दादा है ना, मेरे दादा सारी जिंदगी कमी बन के मुंशी मुंशीगिरी करता रहा उन्हां दी, ते फिर भी बढ़िया की उन्हां दी मशीना मशीना दे अंदर तेल दी था, मेरे दादे ने अपना खून सुकाया ते फिर भी साढ़े हाथ की आया, या लो कमी है। उसमें उस बच्चे ने कोट किया हुआ था, सदियां दी अन्नियां अखियां विच मैं इलम दा सुरमा पौना है, मैं अपना पुत्र पढ़ाना है, मैं अपना पुत्र पढ़ाना है। तो इसका ये चीज बिल्कुल देखिए कितना अच्छा है ना, उसकी ये कोट कितनी अच्छी की हुई है। मैम, बिल्कुल मैम आपका पंजाबी का अंदाज भी बहुत प्यारा माशाल्लाह। मैं पंजाबी बिल्कुल असल में बात इस तरह से है, जिस कॉलेज में मैं टीचिंग कर रही हूँ ना, हमारा एरिया जो है बहुत ज्यादा बैकवर्ड है। हमारा एरिया इस तरह से है, अब इस तरह से चल रहे हैं कि एक बंदा जो है, एक फैमिली जो है ना वो दूसरे का बंदा मार देती है, और दूसरी फैमिली जो है वो पहले वाले का बंदा मार देती है, और इसमें उन नौजवानों का तो कोई नुकसान नहीं हो रहा, जो नुकसान हो रहा है ना वो सारे के सारे इधर की ना जो गर्ल्स हैं उनका हो रहा है, क्योंकि वो कहते हैं कि जब हम अपनी बेटी को बाहर भेजेंगे तो जाहिर सी बात है हमने उनका बंदा मारा हुआ है, तो उन्होंने भी तो हमारी इज्जत को बर्बाद करना है ना। ऐसे ही। मैम आपका तो कौन सा फिर इस एरिया हमारा एरिया हासिलपुर वाला है, जी तो उसके साथ ही हासिलपुर के साथ ही गांव, तो वहां पे जो लड़कियां बेचारी पढ़ने के लिए आती है ना, उन्होंने एफए करके या एफएससी, एफएससी भी अभी यहाँ पे स्टार्ट हुई है जब मैंने मास्टर किया था तब उसके बाद से, तो फिर इन बच्चियों बेचारियों के पास ना, उनके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं होता, या तो वो सिटी जाए भावलपुर जाए या फिर वो पढ़ना ही छोड़ दें। तो फिर मैंने ही उन बच्चियों को ना ये इस्लामियात, पंजाबी इस्लामिक इख्तियारी, इस तरह के जिस चीज में उनको इंटरेस्ट था फिर मैंने उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। कम अज कम वो जॉब नहीं करें लेकिन उन बुक्स को पढ़ के कम अज कम कुछ तो शोर आएगा ना उनको, कुछ तो अपने घर वालों को समझाएंगी ना। जी बिल्कुल जी मैम।
नॉलेज इज पावर। आप और कोई क्वेश्चन पूछे आप लोगों ने? नो सेशन मैम। काफी लंबा हो गया हमारा, आप लोग भी कहीं बोर ना हो जाए। मैम मुझे पूछना है, हाँ कि जो एमसीक्यूज हैं, अब जैसे जी आपने ये बताया ठीक है, इस तरह से हम डेली बेसिस पे मतलब याद करें कितने भी, पर वो याद तो नहीं रहेंगे ना एग्जाम तक, तो एमसीक्यूज के बारे से हम किस तरह से तैयारी करें? अगर हम एक टीम वर्क के तौर पे काम करें तो आपको वो ऑप्शन कभी नहीं भूलेंगे, जी ये तो है। है ना? यस फिर कितना ज्यादा लगे मेरा मशवरा तो ना। बहुत ठीक चंगा मैम, जो है, हिजरी ठीक है, वगैरह आप लोग होती है, काफी ईयर फ्लेक्सिबल, वगैरह होता आप है, लोग वो ना हम भूल जाते हैं। हमेशा आप लोगों ने ना वहां से पढ़ना है जो टीचर आपके माइंड को सूट करता हो। मुझे अभी भी याद है एमएससी में मेरी एक क्लास फेलो थी और वो उसको ना सिरे से मैथ आती ही नहीं थी। वो एमएससी तक पहुंच गई थी और एक वो जब फेल हो गई थी एक पेपर में, तो उस बच्ची का आप कॉन्फिडेंस देखिए, उसने पूरी कॉलेज के सामने खड़े होकर कहा कि सर अगर मैं फेल हुई हूँ तो इसके जिम्मेदार आप हैं। तो हमारे टीचर जो है वो हैरान हो गए, उन्होंने कहा कि कैसे बेटा। तो उस बच्चे ने आगे से ये कहा कि सर आप में वो एबिलिटी थी ही नहीं जो मेरे माइंड को सूट करती और मैं पास हो जाती। देखिए कितनी बड़ी बात है ना। यस मैम वाकई। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि आप लोग जहां से भी पढ़े लेकिन वहीं से पढ़े जहां पे आपका माइंड और दिल मुतमिन हो, जहां पे आप लोग खुद को बिल्कुल ऐसे कंफर्टेबल फील करें कि हम लोग एक क्लास में नहीं बैठे, हम लोग एक टीम वर्क कर रहे हैं, हम लोग घर में बैठे हैं। मतलब एक क्लास, एक टीचर और स्टूडेंट के दरमियान ना, हाँ ठीक ये ठीक है कि एक उनके दरमियान गैप होता है, टीचर और स्टूडेंट के दरमियान हमेशा अंडरस्टैंडिंग होती है, इतनी फ्रैंकनेस। देखें एक फेलो जो है उसकी दूसरी फेलो के साथ फ्रैंकनेस होती है, बट स्टूडेंट और टीचर के दरमियान अंडरस्टैंडिंग होती है। स्टूडेंट टीचर के जितना ही करीब क्यों ना हो लेकिन उसको एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि मैं अपने टीचर से बात कर रहा हूँ। तो आप लोग बिल्कुल जहां से भी पढ़ें, आप लोग पढ़ें बट पढ़ें जरूर, इस जी कंट्री मैम, को चेंज करना है आप लोगों ने, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर। और मैम जो क्वेश्चंस होते हैं सीएसएस या पीएमएस में, तो कोई भी क्वेश्चन जैसे आपने बताया डिफरेंशिएट करें दीन और मजहब में, तो कितने मतलब पेजेस का होना चाहिए एक क्वेश्चन? आपके पास एक शीट है, उस शीट की दो साइड्स होती हैं, मतलब जी चार उसकी दो उसमें पेज होते हैं और चार उसकी साइड्स सही। होती हैं, ठीक है? अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो आप इस शीट से तजावज कर जाएं। ये मैं इसका पेपर बता रही हूँ, इसका इस्लामियत का और पॉलिटिकल साइंस का, जो इन चीजों का, जी ऐसे का पेपर नहीं बता रही मैं। ऐसे का पेपर जो है वो आपकी दो शीट्स होनी चाहिए पीएमएस के पेपर में, और सीएसएस के पेपर में आपकी दो शीट्स से एक शीट और एक्स्ट्रा होनी चाहिए, जी ठीक है? पीएमएस का जो ऐसे होता है वो छोटा होता है और सीएसएस का ऐसे जो होता है ना वो बड़ा होता है। मीन पीएमएस का 8 क्वेश्चन इतना ही होता है, 25 100 ऐसे भी आप वर्ड्स पढ़ा लेना। ऐसे। नहीं बच्चे अब देखिए मैं आपको पढ़ा तो लूंगी लेकिन जो टीचर जिसने इस चीज में मास्टर किया है, जिसे इस चीज का पता है, जी जितने अच्छे से वो आपको चीज दे सकते हैं ना उतने अच्छे से मैं आपको नहीं दे सकती वो। यस मैम ये भी है। तो फिर ऐसे थोड़े टाइम पहले साउथ अफ्रीका के प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो स्पीच कर रहे थे, उन्होंने कहा कि एक चोर जो है वो आपका पर्स लेके भाग जाता है, ठीक है, जी और एक चोर जो है वो आपका खाना लेके भाग जाता है, बट अगर आप एक गलत टीचर का इंतखाब करते हैं तो वो आपकी पूरी जिंदगी के सपने लेके भाग जाता है। कमाल कह दिया। अच्छी सही बात कहा की है उसने, आपने। बहुत अच्छी बात की है। मैम ऐसे एक साउथ अफ्रीका का वो नेल्सन मंडेला था, 27 ईयर तक वो बेचारा जेल में रहा था, अच्छा था। देखिए अच्छा उसने पता है क्या क्या, नेल्सन मंडेला ने, जब नेल्सन मंडेला जो है ना वो जेल के अंदर था तो वो जेल का जो इंचार्ज था जेलर, जी हर रोज नेल्सन मंडेला के ऊपर ना वो अभिशाप कर दिया करता था, ऐसा कोई दिन नहीं था जब जब वो ऐसा ना करता था। और 27 ईयर के बाद जब नेल्सन मंडेला जो है वो जेल से बाहर आया था, तो वो जेल से बाहर आ गया था, मतलब उसका जो सेहन है ना जेल का उससे भी बाहर आ गया था, वो दोबारा फिर वापस गया था, और वापस जाने के बाद उसने उस जेलर का शुक्रिया अदा किया था, उसने कहा कि अगर मैंने आपके साथ कोई ज्यादती किया तो मुझे माफ कर दीजिएगा। और जब वो जेलर जो है उस टाइम ना उसके
उसने पाँव पकड़ लिए थे, गिड़गिड़ा के रोने लग गया था। उसने कहा कि मैं तो हर रोज आपके साथ बहुत बुरा सलूक करता था, फिर भी आपने ऐसा क्यों किया? उसने कहा कि मैं जिस चीज के लिए 27 ईयर तक इस जेल में रहा हूँ, आजादी के लिए, इंसानियत के लिए, अगर आज मैं भी आपके साथ वैसा कर जाऊं जैसा आपने मेरे साथ किया, तो फिर मेरे ये 27 ईयर जो है ये तो बेकार गए। मैम, और उसने सबको माफ कर दिया था जो जी, उसके उसने सबको हरीफ माफ कर दिया था। थे। तो मेरी ख्वाहिश है आप लोग भी ऐसे बने कि हमारा कंट्री भी चेंज हो जाए, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। चलें, ठीक है। अब आप लोगों को कोई और क्वेश्चन है या कोई और पॉइंट मैम है? मैम जी जी इसमें राइटिंग का भी इश्यू होता है? राइटिंग राइटिंग का इशू होता है। मैं आपको, अच्छा अगर आप लोग ग्रुप में होंगे ना, फिर मैं आप लोगों को पेपर सेंड करूंगी, मैं आपको अपनी राइटिंग दिखाऊंगी। राइटिंग अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग का इशू होता है। देखें, मैम एक मतलब बच्चा जो है ना ऐसे होना आपके चाहिए सामने, कि एग्जामिनर को समझ में आ जाए ना बस। एक बच्चा आपके सामने मुंह धो के बैठा है, एक बच्चा आपके सामने मुंह नहीं धो के बैठा, तो आपका किस बच्चे को उठाने को दिल करेगा आपका? जो जो मुंह धो के बैठा होगा उसी को उठाने को दिल करेगा ना। तो अगर आप पेपर जो है, अगर आप रफ करके आ जाएंगे, तो एग्जामिनर भी फिर यही कहेगा ना, पाया जान दो इस पेपर में, कोई हुआ पेपर चुको। मैम जी, जो बच्चे एग्जाम देना चाहे वो देना चाहे ना, तो एक बराबरी होती है। आपकी आवाज नहीं आई क्लियर, फिर बताइएगा। मैं कि जैसे भी होते हैं बोले चाहे ना, तो वो एक बराबरी होते हैं। बच्चे बराबर तो होते हैं, वो सिर्फ अपने माँ बाप के लिए होते हैं। आप अपने अपने दिल से और ईमान से बताएं, क्या आप उस बच्चे को उठाने उठाने को आपका दिल करेगा जिसने मुंह नहीं धोया हुआ और उसके हाथ खराब है? आपका ऐसे दिल नहीं करेगा कि आपके कपड़े खराब हो जाएंगे उसको उठाने जी से? बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं, आप ठीक कह रही हैं। मैम वैसे अगर इनकलाब लाना, तो फिर तो जिसने मुंह नहीं दिया हमें उसे उठाना चाहिए। हाँ नहीं बच्चे, आप लोग कोशिश करें। आप लोग अभी जो कह रहे थे ना कि मतलब पापा ने उसको वोट दिया, दादा ने उसको वोट दिया, बच्चे जब आप लोग वोट कास्ट कर रहे होते हैं ना, तब कोई नहीं देख रहा होता। जी अब देखें, बिल्कुल एज अ टीचर आप ये कह रहे होंगे कि टीचर तो कभी भी ये नहीं कहता आप झूठ बोले, बट हमारे पास इस टाइम और चारा भी तो नहीं है ना। वैसा झूठ तो खुदा माफ कर देता है। देखें, अभी हम लोग जिस पोजीशन पे अब हम लोग हैं ना, हम लोग अपने रूम में बैठ के, घर में बैठ के जिस तरह की मर्जी भड़के मारते रहे ना, हमारे पास वो अप्रोच नहीं है कि हम इन सियासतदानों से लड़ सकें। जी बिल्कुल, ये बात पहले कर रहा था, क्योंकि इन्होंने खानदानी एक सियासत बनाई हुई है, और एक गरीब बंदे को जो है चेंज लाना चाहता है उसे आगे आने नहीं देते। देखें, जब मुगलिया सल्तनत जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई थी ना, तब शाह वली उल्लाह के पास और कोई कोई भी सहारा नहीं था और कोई भी जरिया नहीं था। फिर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कलम का सहारा लिया था। फिर उन्होंने मुसलमानों को मना किया था कि आप लोगों ने सियासत में पार्टिसिपेशन नहीं करनी, पॉलिटिशियन में आप लोगों ने नहीं जाना, आप लोगों ने अपना सारे का सारा फोकस जो है वो तालीम के ऊपर रखना है। उन्हें पता था कि ये मुसलमान जो है वो सारे के सारे जहाज हैं, कि अगर इन्हें एक बार कह दिया ना कि आप लोग सियासत में हिस्सा हिस्सा लें, तो इन्होंने ना पाकिस्तानी मूवीज की तरह बस इन्होंने यही कह देना, ऐसी आग कर देंगे, ऐसी वो कर देंगे, करना कुछ भी नहीं। मैम ये जी पायलट का जी कोर्स कर, पायलट का कोर्स करके जहाज बन जाते हैं। जी हाँ, वही वाला। सही बात है, ये इन्होंने पढ़ाई छोड़ के इन्होंने सियासत भी सामने चला जाना था। जी, इसी वजह से शाह वली उल्लाह जो है उन्होंने कहा था कि जहाजों आप लोगों ने पहले उधर नहीं जाना, आप लोगों ने सारे का सारा फोकस जो है अपना तालीम पे रखना है। जब शाह वली उल्लाह को पता चल गया था कि मुसलमान जो है वो कुछ ना कुछ समझ आ गई है इनको, तब उन्होंने कहा था, मुस्लिम लीग बनाने की इजाजत दी थी, उस प्लेटफॉर्म से उन्होंने कहा था कि अपनी आवाज उठाओ। देखिए, जब हिंदू जो है वो मेजोरिटी में थे और मुसलमान जो है वो मिनोरिटी में थे, मुसलमान जाने जो है ना याद वो, नहीं सर, सैयद अहमद खान वैसे। हाँ सॉरी, सर सैयद अहमद खान है वो जो शाह वली उल्लाह का मैं बता रही हूँ, उन्होंने तो 1761 की वार लड़ी थी, सर सैयद अहमद खान ने कहा था। मुसलमान जैसे हिंदुओं ने अपनी एक जमात बनाई थी ना 1885 में, कांग्रेस बनाई थी, मुसलमान जो है वो वैसे ही मुंह उठा के ना लंदन चले गए थे कि हमें भी एक राइट दें, हमें भी वोट्स का राइट दें, हमने भी अपनी एक अलग जमात बनानी है। तो वहां पे जो लॉर्ड साहब बैठे थे वैसे उन्होंने कहा कि दोबारा तो सीधे है ना, थोड़ा मुंह पान देना मैं।
इसका मतलब ये था, उन्होंने कहा कि उन्होंने तो अपनी एक प्लेटफॉर्म बनाया है, आप लोगों के पास कोई प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से आप लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं, आप लोग वापस जाएं, तब मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो है तब उन्होंने मशवरा दिया था इसको बनाने का, मुस्लिम लीग का, 1906 में जो हमारी बनी थी। कि जो ढाका में बनी थी जी 19 मेरे ख्याल में इस तरह हमारी कहानियां तो लंबी होती रहेंगी, अब क्लास को एंड करते हैं। जी मैम, मैम एक क्लास, हाँ हाँ बोले बोले। जो आपने एमसीक्यू हमें सॉल्व करवाए ना, क्या वो हमें मिल सकते हैं ग्रुप में? हाँ क्यों नहीं मिल सकते, एक ना मेरे दादी दीजिए ओके गीरा। बस। और मैम ये क्लास डेली हुआ करेगी? हाँ डेली हुआ करेगी, जी शुक्रिया मैम। अगर आप लोग पढ़ना चाहें तो बंदे के पुत्र बन के। जी मैम जरूर। थोड़ा मैम फेस थोड़ा करिए, मैम कॉम क्लास मुझे खुद स्टार्ट देखना हुआ शुरू कर करेंगे, देंगे। क्या करेंगे? बच्चे खुद पढ़ने आ जाएंगे। माशाल्लाह बहुत प्यारा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा लगा पढ़ा। बस ठीक, बस यही तो चाहिए होता है ना हमें, आप लोग डेली खुद ब खुद ही पढ़ने आए, जी इंशाल्लाह। फिर जी मैम 9 देखें बजे आप स्टार्ट हुआ। तुसी बस यही करना डेली तुसी पढ़न होना, फिर देखें आप सियासतदानों ने कितना लंबा पौंदे। ओके जी इंशाल्लाह। तो क्यों हो गया मैम? चलें ठीक है, अगर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं है ना तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में, आपको लिंक तो आपको मिल गया होगा ना, आप लोग उसमें ऐड हो जाएं, फिर हमारी डेली क्लास हो करेगी। और उसमें ना मैं ये ओके ऑप्शन भी सेंड कर देती हूँ, कल आप लोग याद कर लीजिएगा। जी जी मैं तो ऑलरेडी ग्रुप में हूँ ऑलरेडी। ठीक है बच्चे, ओके यहाँ पे इतनी हंसी मजाक करने का मकसद ये था कि आप लोगों को ना पढ़ाई में दिल लग जाए, जी बिल्कुल। यस आप लोग मैम। पढ़ने लग जाए। जी मैम।